हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर मी। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1। अब तक हमने क्लास 10th की जो चैप्टर्स है उसका फर्स्ट चैप्टर के 6 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, और जो 6 लेक्चर था वो था ग्राफिकल मेथड का। उसमें हमने ग्राफिकल मेथड के सॉल्व एग्जाम्पल देखे। अब देखने वाले हैं जो उसकी एक्टिविटी है। दिस इज द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें हमको वैल्यू मिसिंग दिए है, तो उस मिसिंग वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू टेक द एक्स इक्वल्स टू 0 एंड बाय यूजिंग द इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। सो हमें क्या करना है कि एक्स की जगह पे इस इक्वेशन में जो ऊपर वाला इक्वेशन दिया है उस जगह पे 0 को रखना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस साइन उस साइड में चल जाएगी, तो ये मेरा फाइनल वैल्यू मुझे मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से मुझे -1 यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब दूसरी जो है बॉक्स उसमें y की वैल्यू दी है, y's वैल्यू इज गिवन, बट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द x वैल्यू। तो इसको भी इसी तरह से करना है, आपको एक ही इक्वेशन यूज करना है जो फर्स्ट दिया हुआ है। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए मैं क्या करता हूँ कि y के जगह पे 0 रखता हूँ क्योंकि वो गिवन है, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो x की वैल्यू मेरी हो गई यहाँ पे 1। ओके, ये होगी मेरी यहाँ पे 1। तो सिमिलरली फॉर 3, इसी तरह से 3 की वैल्यू मुझे x की जगह पे रखनी है, तो x की जगह पे ये होगी मेरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। x की जगह पे मैं क्या करता हूँ कि 3 की वैल्यू रखता हूँ, ये होगी मेरी 3 और ये y इक्वल्स टू 1। ओके, देन y को इस साइड में लेके जाऊंगा मैं और 3 को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा दिस। सो ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसल एंड देन द फाइनल वैल्यू ऑफ y इज 2। ओके, देन फाइनली वी हैव टू पुट y's वैल्यू इक्वल्स टू -3 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। हमें क्या करना है, x माइनस वाई इसी इक्वेशन को यूज करना है। x माइनस -3, ओके, और ये हो गया 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस और ये वाली। तो x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ और y को लेके जाता हूँ दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा मेरा -3 और फाइनल माय वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी x इक्वल्स टू -2, यहाँ पे था y इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से इस इक्वेशन को लेके मैंने 4 वैल्यूज फाइंड आउट की है। सिमिलरली इस इक्वेशन को जो कि मेरा नेक्स्ट इक्वेशन है उसको लेके मुझे बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप एक काम कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके इसकी कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट है वो है फॉर इक्वेशन। अब ये तो सॉल्व हो गया है हमारा, अब नेक्स्ट है ये वाला इक्वेशन, हम इसको चेक करेंगे, अभी ये वाला देखेंगे। तो ये वाला इक्वेशन लेना है हमको 5x-3y=1 और x की जगह पे रखना है x=2। आपको इसी तरह से एग्जाम में भी लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लिखने वाला है आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, उसके बाद आपको जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, देखते हैं कैसे। तो जैसे मैंने अभी ये स्टेप बाय स्टेप लिखा, तो x की जगह पे मुझे क्या करना है, 2 को रखना है, तो x 5 × 2 - 3y = 1। ओके, तो 5 × 2 = 10, 3y = 1, ये 3y इस जगह पे रख दिया मैंने, 10 को उस साइड में लेके जाता हूँ, तो मुझे मिलता है -9 - 3y, देन y = ओके, दिस इज -9/3, हाँ -3, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा सिंपली, और y = 3, 1, 3, 3,
ओके 3 × 3 दैट इज 9, सो वाई इक्वल्स टू 9, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू है 3। उसी तरह से मुझे सॉल्व करना है, अब y की वैल्यू दी हुई है तो उसे मुझे सॉल्व करना है, y इक्वल्स टू 8 है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसी तरह से करूंगा मैं 5x - 3 × 8 = 1, 5x - 24 = 1, देन 5x को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, 1 तो राइट हैंड साइड में है ऑलरेडी, इसको यहाँ पे जाके इसको प्लस हो जाएगा, ये प्लस जैसे होता है तो ये हो जाता है 25, ये है 5x, x इक्वल्स टू 25/5, एंड फाइनल इसको कट करके मुझे क्या मिलेगा 5 × 5 दैट इज 25, तो x वैल्यू इज 5। ओके, तो सिमिलरली विथ दिस यहाँ पे मुझे फिर से y की वैल्यू -2 दी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -5x माइनस उसके बाद इस ब्रैकेट में रखता हूँ क्योंकि मुझे मेरी जो वैल्यू है वो माइनस में है ऑलरेडी, तो उसको ब्रैकेट में रख के मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा उसके बाद इस तरह से, तो ये हो जाएगी मेरी, और ये जो माइनस माइनस है इसको मैं प्लस कर दूंगा अभी, और प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा ये 2 × 8, ओके इस तरह से, और इक्वल टू, तो ये 5x यहाँ पे हो जाएगा 16 दैट इज 1, उसके बाद मुझे 5x इसको यहाँ पे रखना है, उसके बाद मैं 1 माइनस इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 15, ओके ये 5x x इक्वल्स टू -15/5 और 5 1 5 3, हाँ तो -3 इज माई आंसर। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला है, वो है x की वैल्यू इज गिवन, तो मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये y की वैल्यू, तो मैं इसी इक्वेशन में इसको डालता हूँ, ये है मेरा ओरिजिनल इक्वेशन, इसको मैंने पुट किया है, तो इसको मैं अभी इसमें पुट करता हूँ -4, ओके -3y = 1, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो -20 - 3y = 1, ओके देन -3y ऑन लेफ्ट ऑन साइड, और ये 20 जो है मैं इसको इस साइड में लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा मेरा +20 दैट इज +21 -3y y = 21/3 -3 एंड इसको कट करके मुझे मिल जाएगा 7, तो -7 इज माय आंसर। ओके, सो इस तरह से आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाने से पहले प्लीज गो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको स्टडी में हेल्प होगी, ठीक है। तो ये आपके है फाइनल आंसर, इसको नोट डाउन कीजिए आपकी बुक में, उसके बाद आपको इसकी के रिस्पेक्ट टू ग्राफ निकालना है, तो आइए इसका ग्राफ दिखेगा कैसे। सबसे पहले ग्राफ कैसे निकालते हैं, अगर इसको आपको देखना है तो वीडियो नंबर 6 देखिए, लेक्चर नंबर जो 6 है उसमें मैंने पूरी प्रोसीजर दिखाई है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको भी दिखाया है, कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करते हैं वो भी दिखाया है, प्लीज गो एंड चेक दिस लेक्चर नंबर 6। ओके, अभी फिलहाल ये है आपका ग्राफ, ओके और ये आपके फाइनल वैल्यूज, ये फाइनल वैल्यूज कहाँ से आए, तो यहाँ पे जो दोनों भी लाइन है अगर ये इंटरसेक्ट जिस जगह पे होते हैं, ओके यहाँ इस जगह पे ये इंटरसेक्ट हो गए हैं तो वो हो गई मेरी फाइनल वैल्यूज। ओके, तो इसको आप भले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह के ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, आपके स्टडी में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये था लेक्चर नंबर 7, ये तो कंप्लीट हो गया है, तो आपको लेक्चर नंबर 8, 9, 10 जल्दी ही मिलेंगे, बस इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।